हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या कि कल्चरल मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, मतलब जो पेस्ट है हमारे उनको कल्चरल विधि से, मतलब सामान्य विधि से, हमारे देहात वाली विधि से, या फिर तो नॉर्मली जो पहले से चली आ रही विधियां, उस विधि से कैसे कंट्रोल कर लें जिससे हमें पैसा भी ज़्यादा खर्च ना करना पड़े किसी केमिकल खरीदने में या फिर कोई इक्विपमेंट खरीदने में। उसके बाद हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो खत्म भी हो जाएं और हमारा जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो अच्छे से बच भी जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कल्चरल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, कैसे हम लोग कल्चरल कंट्रोल करेंगे। तो इसके बारे में कंट्रोल करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में कि ऐसे कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि क्या करती हैं, क्रॉप को ऐसा कोई एनवायरमेंट दे जिससे कि क्या हो, जो पेस्ट से डैमेज हो रहा है वो समाप्त हो जाए, क्या पेस्ट से जो डैमेज हो रहे हैं वो समाप्त हो जाए। कल्चरल कंट्रोल इज अ पर्पसफुल मैनिपुलेशन, ऐसा कोई हम लोग मैनिपुलेशन करें, ऐसा कोई उसमें कार्य करें अपने क्रॉपिंग एनवायरमेंट में, जिस हिसाब से हम लोग बो रहे हैं उसमें कोई अदलाव बदलाव करें जिससे क्या हो कि पेस्ट का जो डैमेज है वो समाप्त हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं, तो क्रॉप को ऐसा बनाते हैं जिससे कि पेस्ट उसमें लगे ही ना, क्या क्रॉप को ऐसा बनाते हैं कि पेस्ट उसमें लगे ही ना, या फिर हम लोग ऐसे कोई एनिमीज, शत्रु, नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक शत्रु लगा दें, जैसे क्या कि कोई क्रॉप लगा है उसके किनारे किनारे ऐसा कोई क्रॉप लगा दे जिससे कि वो इंसेक्ट डर के अंदर जाए ही ना, तो ये भी एक प्रकार का कल्चरल प्रैक्टिस हुआ। या फिर तो क्रॉप की ऐसी कोई एबिलिटी, क्षमता को हम लोग बढ़ा दें जिससे कि पेस्ट अटैक को वो सह ले, क्या जितने भी पेस्ट अटैक हैं उसको क्रॉप सह ले। ओके, तो हम लोग इसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं 10-12 ठो, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानेंगे और सभी के बारे में समझेंगे। चलिए सबसे पहला सिंपल प्रैक्टिस जो है वो है टिलेज, मतलब जुताई कुड़ाई, जितना भी जुताई कुड़ाई का प्रैक्टिस है वो टिलेज में आता है। इसमें क्या, टिलेज करने से क्या होता है, जैसे कि हम लोग 40 सेंटीमीटर तक सॉयल को जुताई करके एक्सपोज कर सकते हैं, 40 सेंटीमीटर तक बड़े बड़े हल आते हैं तो उससे जुताई कर सकते हैं। वैसे हम लोग नॉर्मली कम जुताई करते हैं, लेकिन अगर हम जुताई कर दें, यदि हम ज़्यादा अंदर गहरी जुताई कर देंगे तो जितने भी क्या सॉयल के अंदर जितने भी कीट हैं, जिंदा कीट हैं या उनके लार्वा हैं या फिर उनसे इनके एक है, वो धूप में आएंगे तो धूप से क्या हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय, समाप्त हो जाएंगे। और डेस्ट्रॉय जहां होंगे तहां पे कई प्रकार के कीटों से बचा जा सकता है, जैसे कि बॉलवर्म का प्यूपा, गुजरात हेयर कैटरपिलर का, उसके बाद स्टेम बोरर, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। व्हाइट ग्रब के एडल्ट, जो मिट्टी में बड़े बड़े ग्रब्स, जितने बड़े कीड़े होते हैं सी शेप में वो, और ग्रास हॉपर, फतिंगों के अंडे, ये सभी किससे, सनरे से समाप्त हो जाते हैं, या फिर किसी प्रीडेटरी एनिमल से, कोई जानवर पाया जाता है, पक्षी उच्छी, तो इन सभी कीड़ों को पकड़ के खा जाता है, हम लोग जुताई कर दे तब। उसके बाद आगे हम लोग देखें फील्ड सैनिटाइजेशन के बारे में, क्या फील्ड सैनिटाइजेशन, फील्ड को सैनिटाइज कर दे जिससे कि किसी अन्य प्रकार के कोई पेस्ट पॉपुलेशन उसमें ना जा पाए। जैसे हम लोग खेत जहाँ है उसको बहुत अच्छे से पैक कर दें, बाहर से बाउंड्री जैसा लगा के, पन्नी इसका बाउंड्री लगा के ऊंचा, जिससे कि इंसेक्ट उसमें जा ही ना पाए, या फिर किनारे कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा दे जिससे कि इंसेक्ट अंदर ना जा पाए, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड जो हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। या फिर कोई अन्य मेथड है, जैसे कि जितना भी फील्ड में क्रॉप का वो रेसिड्यू बचा हुआ है, क्रॉप का जो प्रोडक्ट बचा हुआ है उसको हम लोग बाहर कर दें जुताई के, मतलब हार्वेस्ट के बाद, फसल काटने के बाद सारे कूड़े करकट को बाहर निकाल दें, जिससे क्या होगा, वहां पर कोई कीट किसी प्रकार का पनपेगा ही नहीं, और जब कीट कोई जन्मेगा ही नहीं तो वहां पर हमारा फील्ड सैनिटाइज हो जाएगा और अन्य प्रकार उस कीट का लगने का कोई चांस होगा ही नहीं। या फिर जितने इंसेक्ट हैं उन सभी को हम लोग समाप्त कर दें, जितने क्रॉप रेसिड्यू है उसको जला दें, इस तरीके से हम लोग फील्ड का सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ कीट हैं जैसे कि मैंगो फ्रूट फ्लाई, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड सैनिटाइजेशन की मदद से। अगला हम लोग देखें रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट हॉस्ट,
जिस पर कीट रह रहा है अल्टरनेटिव, जैसे कि हमारा जब तक क्रॉप है तब तक तो क्रॉप में रह रहा है, अगर क्रॉप के समय किसी और हॉस्ट पे रह रहा है जैसे किसी घास पर रह रहा है, हम लोग उस घास को हटा दें। जैसे मेड़ पर क्या होता है, कुछ घास जमे होते, तो जब तक क्रॉप नहीं होता वो कीट क्या होता है उसी घास में रह के अपना जिंदगी जीता है। लेकिन अगर हम लोग उस घास को ही हटा देंगे तो क्या होगा, वहां पर वो कीट रह ही नहीं पाएगा, वो फूट के कारण मर जाएगा, हमारे क्रॉप में लगेगा ही नहीं। आगे देखें हम लोग अगला, यूज ऑफ क्लीन सीड, जो हम लोग बीज का उपयोग करें वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, मतलब एकदम उसमें किसी प्रकार का पेस्ट या डिजीज पहले से ना लगा। पता चला कि हम लोग जो सीड बो रहे हैं उसी में कुछ कीट मकोड़ों के उसमें अंडे हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग लगाएंगे तो वो अंडे के साथ साथ वो भी पनप जाएंगे, उसके साथ साथ हमारे प्लांट को हानि पहुंचाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, अगर सुगर केन लगा रहे हैं तो सुगर केन में पहले से ही सुगर केन के स्केल में पहले से मिली बग होता है, तो अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे लगा देंगे तो हमारा फिर से सुगर केन उस मिली बग से प्रभावित हो जाएगा, तो इसलिए देखा जाता है। स्वीट पोटैटो विबिल, स्वीट पोटैटो में जो हम लोग मीठा कंडा खाते हैं उसमें विबिल लगता है, बनाना के राइजोम में विबिल लगता है, तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पहले से ही क्या करेंगे कि जो हम लोग बीज या फिर लगाने का जो प्रैक्टिस है, लगाते समय जो बीज या फिर जो प्लांट का प्रोडक्ट ले रहे हैं लगाने के लिए, उसे साफ सुथरा लेंगे, ऐसा कि जिसमें जो इंसेक्ट से प्रभावित ना हो। अगला, वेराइटी, हम लोग ऐसी वेराइटी लगाएंगे, क्या वेराइटी, सिलेक्शन ऑफ वेराइटी, हम लोग ऐसी वेराइटी लगाएंगे जिसपे कीट ही ना लगे। जैसे क्या, नीलासन मैंगो का है, नीलासन या हॉपर्स के प्रति रेसिस्टेंट होता है, इस पर ग्रास हॉपर लगते ही नहीं है। जैसे बीटी कॉटन के बारे में आप नॉर्मली सुने होंगे, हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा के प्रति क्या है, ये रेसिस्टेंट है, हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा इस पर लगता ही नहीं है, जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है कॉटन को, तो लगेगा ही नहीं इसमें बीटी कॉटन लगा देंगे तो। या फिर G4 चिल्ली लगा देंगे, G4 मिर्चा लगाएंगे तो थ्रिप्स उस और माइट्स उसमें लगेंगे ही नहीं। और उसके बाद पूसा पर्पल लॉन्ग ब्रिंजल लगा देंगे तो उसमें FSB लगेगा ही नहीं, फ्रूट स्टेम बोरर जो मतलब कि फल और तना छेदक होता है वो लगेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कुछ वैरायटी जो कि इंसेक्ट रेसिस्टेंट होते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट होता है, उसको लगा के हम लोग डिजीज या फिर पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला देखें, थोड़ा सा सोविंग टाइम में बदलाव करके। तो स्टूडेंट जैसा कि हम देख रहे थे कि सोविंग टाइम में बदलाव करके, क्या जैसे कि हम लोग कुछ सोविंग टाइम है किसी फसल का, तो अगर हम लोग थोड़ा सा उसको लेट सो कर दे या फिर थोड़ा सा पहले सो कर दे तो हम लोग वो जो उस पर इंसेक्ट लगने वाले हैं स्पेसिफिक समय पे वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं सरसों का, क्या सरसों का अगर हम लोग सरसों को थोड़ा सा पहले बो दें और जब माहों का समय आता है मतलब एफिड्स को लगने का समय आता है तो पता चले उस समय सारा फूल फल फलियों में बदल चुका होगा, उससे क्या होगा हमारी सरसों फली ले चुकी होगी और एफिड्स का प्रकोप तब नहीं लगेगा, तो हमारा सरसों भी बच जाएगा, जो मस्टर्ड है वो बच जाएगा, एफिड्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ सोविंग टाइम में बदलाव करके। जैसे एक एग्जांपल और है कि पिजन पी में मतलब जो अरहर है, अरहर को अगर थोड़ा सा लेट मतलब लेट न बो के थोड़ा सा पहले बो दे तो हम लोग जो पिजन पी पॉट फ्लाई है उससे बचाया जा सकता है। उसके आगे हम लोग देखें सीड रेट, क्या सीड रेट में बदलाव करके। अगर कभी कभी ध्यान दें कि हम लोग सीड रेट जो बो रहे हैं अगर थोड़ा सा ज्यादा सीड रेट कर देंगे तो क्या होता है कि सूट फ्लाई या फिर कोई इंसेक्ट जो है वो ज्यादा लगने लगते हैं। अगर सीड रेट हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल कम कर दें तो वहां कैनोपी में अंदर धूप अच्छे से जाएगी जमीन तक, जिससे कि वहां पर इंसेक्ट लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगला होता है प्लांट स्पेसिंग, पौधों के बीच में दूरियों के हिसाब से। अगला, क्रॉप इंसेक्ट को कंट्रोल करने का तरीका के कल्चर कंट्रोल में प्लांट में स्पेसिंग यदि हम लोग थोड़ा सा अदलाव बदलाव कर दे, किसी में ज्यादा कर दे किसी में कम कर दे, वो प्लांट के हिसाब से होता है, तो अगर ऐसा कर देंगे तो प्लांट इंसेक्ट और पेस्ट का लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। जैसे कि सोयाबीन में व्हाइट फ्लाई कम लगेगी अगर हम लोग पास जो स्पेसिंग है वो बढ़ा दें, स्पेसिंग बढ़ा दें। तो आगे थोड़ा सा देखें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में, जो हम लोग फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर का बैलेंस हम लोग सही यदि रखें तो पेस्ट लगने का चांस बहुत ही कम किया जा सकता है। जैसे कि पोटास क्या करता है, वायरस जो व्हाइट फ्लाई से वायरस डिजीज
फैलता है उसको रोकता है, पोटास। पोटास का उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार के इंसेक्ट जैसे कि BPH, येलो स्टेम बोरर, और माइगॉट लीफ होल्डर, राइस हिस्पा, ये सभी पैडी में जो लग रहे हैं, फिर पायरला सुगर केन में, व्हाइट फ्लाई कॉटन में, इन सभी को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देने पर क्या यह ज्यादा लगने का चांस होता है। अगर ज्यादा देंगे तो, अगर हम लोग कम देंगे तो ये कम लगने के चांस होंगे। तो एक एक हिसाब से हम लोग इसका बैलेंस करें तो या नहीं लगेंगे, इनसे हम लोग बचा जा सकता है। कुछ इरिगेशन मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग किसी फसल में बार बार कुछ दिन पानी दिए, फिर कुछ दिन सूखा रख दिए, कुछ पानी दिए, कुछ दिन सूखा रख दिए, तो इस हिसाब से करने पर भी कुछ प्रकार के इंसेक्ट समाप्त हो सकते हैं। जैसे वायर वार्म है, ये समाप्त हो जाएंगे खेत में पानी डालने से, और खेत में पानी डालने से कटवार्म, आर्मी वार्म, रूट ग्रब, ये भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से हल्की इरिगेशन देंगे तो सुगर केन और व्हीट क्रॉप में टर्माइट्स के अटैक से बचा जा सकता है। कुछ प्लांट के सैनिटाइजेशन, प्रूनिंग और थिनिंग, मतलब कि थोड़ा सा जैसे प्लांट पास पास है तो उसको थिनिंग कर दें, मतलब बीच बीच से कुछ प्लांट हटा दें, जिससे प्लांट में स्पेसिंग अच्छे से बन जाए, या फिर तो प्लांट की डालियां एक दूसरे में बच रही हैं, नहीं हो पा रही है, पास पास हो गया है, तो प्लांट में प्रूनिंग या ट्रेनिंग कर दें, मतलब काट पीट दें, थोड़ा सा कटाई छटाई कर दें, तो उससे क्या होगा, प्लांट एक अच्छा शेप ले लेगा, उस पर इंसेक्ट लगने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, अगला है कैनोपी मैनेजमेंट। ऊपर का जो कैनोपी है, मतलब कि जो प्लांट के ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो ग्रीनरी पोर्शन होता है, अगर वो अच्छे से लाइट एयर आने देगा अंदर, या फिर पेस्टिसाइड हम लोग जो छिड़क रहे हैं वो अंदर आ जा रहा है, यदि अच्छा सा बैलेंस बना हुआ है, तो कैनोपी की वजह से हमारा जो क्रॉप है उसमें इंसेक्ट पेस्ट कम लगेंगे। उसके बाद देखें क्रॉप रोटेशन की मदद से, ये तो सभी जानता है, क्रॉप रोटेशन अगर सही से किया जाए तो इंसेक्ट पेस्ट लगने के चांस बहुत ही कम किया जा सकता है। और कुछ जैसे खेत को परती छोड़ दिया जाए कुछ दिनों, कुछ एक आध सीजन के लिए, एक सीजन खेत परती छोड़ने से कुछ प्रकार के इंसेक्ट ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। अगला, कुछ ट्रैप क्रॉपिंग कर दें हम लोग, कैच ट्रैप क्रॉप कर दें, मतलब जैसे बीच में कोई फसल लगा रहे, किनारे किनारे कोई दूसरा फसल लगा दे रहे, तो उस प्रकार से कुछ इंसेक्ट से बचा सकता है। जैसे कैबेज और कॉलीफ्लावर हमने मेन क्रॉप लगाया है, लेकिन किनारे किनारे बोल्ड सीडेड मस्टर्ड लगा दिया, सरसों लगा दिया मोटा वाला, तो उसमें क्या DVM इंसेक्ट से बचा सकता है। टोमेटो अंदर लगाया है किनारे किनारे, अगर हम अफ्रीकन टाल मैरीगोल्ड गेंदा का फूल लगा दिया तो फ्रूट बोरर और लीफ माइनर से बचा जा सकता है। उस हिसाब से टोबैको में के किनारे रेडी का पेड़, कास्टर का पेड़ लगा दिया जाए तो टोबैको लीफ ईटिंग कैटरपिलर से बचा जा सकता है। वैसे ही दो और हैं, देख सकते हैं। कुछ बैरियर क्रॉप के रूप में लगा दिया जाए, जैसे कि मतलब बॉर्डर जैसा बैरियर क्रॉप, सिर्फ रोक दें, जैसे अंदर कोई छोटा हमारा क्रॉप है प्राइमरी क्रॉप, लेकिन हम लोग क्या किए बाहर की तरफ से क्या बड़ा बड़ा कोई ऊंचा क्रॉप लगा दिए, जिससे कि इंसेक्ट अंदर जाएगा नहीं, वही रुक जाएगा, तो बैरियर क्रॉप के रूप से हम लोग इंसेक्ट को रोका जा सकता है। या फिर हम लोग क्या मल्चिंग कर दें, मल्चिंग मतलब पुआल से या फिर प्लास्टिक से या फिर कोई अनेक विधि से हम लोग मल्चिंग करके हम अपने क्रॉप को बचा सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट से, या फिर मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग करके किसी फसल के साथ कोई दूसरी फसल को मिलाकर, या फिर एक लाइन ये फसल एक लाइन वो फसल, इंटरक्रॉपिंग होता है, इन दोनों का क्रॉपिंग की मदद से हम लोग इंसेक्ट क्रॉप को बचा सकता है। जैसे कि टोमेटो और कैबेज को इंटरक्रॉप कर दिया जाए, टमाटर और पत्ता गोभी को, तो DVM जो है अंडा नहीं दे पाएगा, DVM जो इंसेक्ट है वह अंडा नहीं दे पाएगा, जिससे क्या हो सकता है हमारा इंसेक्ट पेस्ट से बचा जा सकता है। अगला, रो एंड रिफ्यूज लाइन, हेजरे रो एंड रिफ्यूज लाइन, ये क्या हम लोग बॉर्डर जैसा, मतलब हेज मीन्स किनारे पे बॉर्डर लगा दें किसी चीज से, तो उससे क्या होगा नेचुरल एनमी से बचा जा सकता है, मतलब जो नेचुरल एनमी है उससे समाप्त कर देंगे जो कीट लगने वाले हैं। अगला, स्ट्रिप हार्वेस्टिंग, क्या स्ट्रिप हार्वेस्टिंग, अगर ट्रैप क्रॉपिंग की मदद जैसा ही होता है, या क्या यह ट्रैप क्रॉपिंग की मदद से होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसेक्ट होता है वह अल्टरनेट स्ट्रिप पर, मतलब उसी दूसरे क्रॉप पर ही रह जाता है, जो बड़ा हम लोग जो अननेसेसरी क्रॉप लगाए हैं उस पर रह जाता है, और हमारा जो मेन क्रॉप होता है वो बच जाता है। या फिर हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा मॉडिफाई शेड्यूल में कर दें, जैसे कि जब हम लोग को उसमें हार्वेस्ट करना है, कटाई करना है, या फिर फसल को लेना है, तो उसमें थोड़ा सा आगे या पहले कर दें, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट से बचा सकता है। कुछ रटून क्रॉप कर लगा दें,
रटूनिंग में मतलब बदलाव कर दे, जैसे कि पिजन पी के जब लगाते हैं क्या ऑफ सीजन के समय पिजन पी में पॉड फ्लाई और माइट नहीं लगते, अगर हम लोग रटूनिंग कर देंगे किसमें पिजन पी में। रटूनिंग के बारे में हम लोग आगे किसी टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, अभी हम पढ़ाएंगे तो अभी लेक्चर भी ज्यादा लंबा हो जाएगा रटूनिंग के बारे में और ये थोड़ा सा बोरिंग भी समझाने लगे, इसलिए रटूनिंग के बारे में ना समझा के सिर्फ टॉपिक का नाम लगा दिए कि अगर रटूनिंग की मदद से पिजन पी में ऑफ सीजन में पॉड फ्लाई और एरिफाइड माइट को कम किया जा सकता है। कुछ बॉर्डर क्राफ्ट की मदद से जैसे कि किसी किसी इंसेक्ट में बॉर्डर क्राफ्ट लगा के कर सकते हैं। ये कुल 22-23 था जिसकी मदद से हम लोग कल्चरल में ये सब प्रैक्टिसेस हैं, इसकी मदद से हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को रोका जा सकता है। जैसे कि पहला टीलेज, फील्ड सैनिटाइजेशन, रिमूवल रिस्ट्रिक्शन ऑफ टर्नेस्ट हॉस्ट, क्लीन सीड वैरायटी, रेसिस्टेंट वैरायटी, सोविंग टाइम में बदलाव करके, सीड रेट में चेंजेज करके, प्लांट स्पेसिंग में बदलाव करके, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, खाद में बदलाव करके, इरिगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई में थोड़ा सा बदलाव करके, या फिर तो प्लांट सैनिटाइजेशन, प्रूनिंग थिनिंग में मदद करके, कैनोपी मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, फैलोविंग परती छोड़कर, ट्रैप क्रॉपिंग लगा के, बैरियर क्रॉपिंग लगा के, मल्चिंग लगा के, मिक्स क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग लगा के, या हेजरे रो लगा के, या फिर तो स्ट्रिप क्रॉपिंग, हार्वेस्ट शेड्यूल में बदलाव करके, रटूनिंग क्रॉप करके, या फिर तो बॉर्डर क्रॉप लगा के अन्य क्रॉप इस हिसाब से बचाया जा सकता है। उसके आगे थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें कल्चरल कंट्रोल के। तो कल्चरल कंट्रोल के जो एडवांटेज है वो है कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए, कोई कॉस्टली इनपुट्स नहीं चाहिए, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, उसके बाद बहुत ही कम प्रभाव होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, इकोलॉजिकली बहुत ही अच्छा है, आईपीएम का सबसे अच्छा सिस्टम यही है और सबसे कम दाम लगता है। इसके लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज की बात करें जो इसके हानि है वो है कि पूरी अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता, हमेशा अप्लीकेबल नहीं होता है, यह प्रिवेंटिव होता है, कई प्रकार की प्लानिंग चाहता है, मतलब पहले से ही प्लानिंग करना पड़ता है इसके लिए, टाइमिंग डिसाइड सक्सेस, यदि सही टाइमिंग रहा तो उसमें सक्सेस होगा, टाइमिंग गड़बड़ा गई तो कोई सक्सेस उसमें नहीं मिलेगा, अगर हमारे नॉर्मल कल्चरल प्रैक्टिस से या मेल नहीं खा पाता, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, जैसे हम लोग को जुताई दो बार करनी है लेकिन वो बोल रहा है ज्यादा जुताई करिए तो उससे हम लोग का प्रैक्टिस असफल हो जाएगा। इस हिसाब से ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ लिए कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल मेथड कैसे हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को रोके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में हम लोग इतना है, हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे कि अन्य मेथड कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, जैसे फिजिकल है, मैकेनिकल है, तो उसके लिए हम लोग अगले टॉपिक तक का वेट करेंगे। उससे पहले अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो या फिर आपके पास कोई मतलब कि आपको किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम जरूर से जरूर उस टॉपिक के बारे में लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ आज के लिए धन्यवाद, लाइक करिए, आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे हम आपसे ज़्यादा जुड़ सकें।